सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आज क्रिस गेल पंजाब की टीम की तरफ से खेलें तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन के 24वें मुकाबले में शनिवार को दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर 3:30 बजे किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें होंगी। कोलकाता की टीम जीत की पटरी पर लौट चुकी है, जबकि पंजाब की टीम को जीत की तलाश है। मुकाबले के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि टीमें दोनों ही दमदार हैं। ये मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के सभी चैनल पर देखा जा सकता है। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप इसे हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे धमाकेदार शुरुआत करने वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम आज अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। 6 में से 5 मैच हार चुकी टीम को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने सबसे मजबूत प्लेइंग 11 के साथ उतरना होगा। टीम में बदलाव की उम्मीद कम है क्योंकि पिछले मैच में खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब था, लेकिन कॉम्बिनेशन सही नजर आया। कोलकाता की टीम जीत की पटरी पर है तो वो बदलाव के साथ उतरे ऐसा कम लगता है। वहीं दोस्तों, आज पंजाब की टीम में दो बदलाव हो सकते हैं। एक बदलाव जो पंजाब कर सकता है वो है फ्लॉप चल रहे ग्लेन मैक्सवेल की जगह क्रिस गेल को मौका देना। ऐसे में मयंक अग्रवाल को तीसरे नंबर पर खेलना होगा। पंजाब की ओपनिंग में केएल राहुल और क्रिस गेल नजर आ सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में मयंक, मनदीप और निकोलस पूरन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी के साथ अर्शदीप और विलजोइन नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज शेल्टन कॉटरल की जगह हार्डस विलजोइन को टीम में जगह मिल सकती है। शेल्टन कॉटरल ने अभी तक कोई भी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है जिसे देखकर उन्हें टीम में बनाए रखा जाए। वो 5 छक्के भी खा चुके हैं, इसलिए आज उनको बाहर बिठाया जा सकता है और उनकी जगह हार्डस खेल सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो वो इस प्रकार हो सकती है। आपको बता दें कि कोलकाता की टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगे राहुल त्रिपाठी और शुभमन गिल। मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे नीतीश राणा, इयॉन मॉर्गन, कप्तान दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसेल। ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे सुनील नारायण और पैट कमिंस। साथ ही तेज गेंदबाजी करेंगे शिवम मावी और कमलेश नागरकोटे। और अब बात करें किंग्स 11 पंजाब की टीम की, तो आपको बता दें कि इस बार ओपनिंग करेंगे केएल राहुल और धुआंधार बल्लेबाज क्रिस गेल। मिडिल ऑर्डर को संभालेंगे मयंक अग्रवाल, मनदीप सिंह और निकोलस पूरन। साथ ही विकेट कीपिंग करेंगे प्रभसिमरन सिंह। वहीं तेज गेंदबाजी करेंगे हार्डस, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी। स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा होगा मुजीबुर रहमान और रवि बिश्नोई के हाथों में। दोस्तों, आज का मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जिस तरह से कोलकाता की टीम लग रही है, ऐसा माना जा रहा है कि आज पंजाब फिर से हारने वाली है। अगर पंजाब की टीम क्रिस गेल को खिलाती है तो पंजाब की टीम भी आज के मैच में वापसी कर सकती है और आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में भी अपना स्थान सुधार सकती है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज के मैच में कौन सी टीम जीतेगी, किंग्स 11 पंजाब या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? और किंग्स 11 पंजाब को क्रिस गेल को खिलाना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट भारत के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।